आज पूरी दुनिया एक कठिनाई से जूझ रही है, एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ स्वास्थ्य के नजरिए से नहीं मगर सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी पूरे विश्व में तनाव पैदा कर चुकी है। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के दौरान भी नंबर्स, फैक्ट्स हर वक्त बदल रहे हैं। इसके बाद सोसाइटी के कई पहलुओं में भी बदलाव आएंगे। हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम, डिजिटल स्पेस, व्यक्ति के पर्सनल फ्रीडम इत्यादि सभी अपरिहार्य बदलावों से गुजरेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। लाखों की तादाद में लोगों की मौत हुई, बीमार पड़े, बेघर हुए। यूरोप की इकोनॉमी उस समय कोलैप्स कर गई थी। इसी दौरान 1948 और 52 के बीच एक यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम का निर्माण हुआ, जिसको बाद में मार्शल प्लान का भी नाम दिया गया। इसके अंतर्गत यूएसए के गवर्नमेंट ने $13 बिलियन, जो कि 2019 के डॉलर के भाव में $149 बिलियन होता है, एलोकेट किया गया नए रूप से वेस्टर्न यूरोप के निर्माण के लिए। इसके ट्रॉमा से ऊपर उठकर तमाम वर्ल्ड लीडरों ने एक नए विश्व के बारे में सोचा और गठन हुआ यूनाइटेड नेशंस का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से एक उम्मीद जागी लोगों में और एक सार्वभौमिक मापदंड यानी कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का निर्माण हुआ। पिछले कुछ उदाहरणों को देखें तो सार्स और मर्स जैसी बीमारियों के फैलने से जिन देशों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा आर्थिक रूप से, वो देश बेहतर हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए। आज अगर सिंगापुर और ताइवान COVID-19 को नियंत्रित करने में सक्षम रहे हैं और जापान और साउथ कोरिया ने कोविड कर्व फ्लैट कर दिया है, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है अतीत में इनका सार्स जैसी बीमारियों से लड़ने का एक्सपीरियंस। जब कोरोना वायरस का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तब एक नए युग का विकल्प नजर आएगा, जहां मतदाता अहम भूमिका में नजर आएंगे, अफोर्डेबल हेल्थ केयर के डिमांड होंगे। ऐसा ही कुछ 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के वक्त लेबर पार्टी के गठन से हुआ, जब ग्रेट ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में 60% सीट्स लेबरर्स की थी। उन्होंने विंस्टन चर्चिल को हराया और 26 जुलाई 1945 को एक नई सरकार बनाई। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में जो बेसिक हेल्थ केयर है वो लोगों के पहुंच के बाहर है। कुछ स्टडीज के मुताबिक आधे से ज्यादा इंश्योर्ड लोग अमेरिका में अनिश्चित है कि वे COVID-19 के ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। वहीं इंडिया में जहां कोविड टेस्टिंग की कैपिंग लो रखी गई है, काफी कम रोजगार करने वालों के लिए ये अनअफोर्डेबल या पहुंच से बाहर है। डिजिटल स्पेस में जहां एजुकेशन सेक्टर में ऑनलाइन कोर्सेज का चलन सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग और कुछ ही चीजों के लिए उपयोग में रहा, अब ये इंटरवेंशन काफी कॉमन होता जा रहा है। अगर इसको आगे के उपयोग के लिए एक नॉर्मल या साधारण मीडियम बना लिया जाएगा तो एजुकेशन आज मीलों दूर तक पहुंचने में सक्षम है, मगर टेक्नोलॉजी के अनुभवों से सीखे तो कुछ सवाल हैं जो एक इंसान के पर्सनल फ्रीडम को लेकर जहन में आते हैं। वो है, कई देश जैसे चाइना आज बहुत से टेक्नोलॉजिकल एप्स का निर्माण कर ये पता लगा रहे हैं कि किसी व्यक्ति की हेल्थ का कंडीशन कैसा है, वो क्वारंटाइन है या नहीं। ऐसे सर्वेलेंस के माध्यम एक व्यक्ति के पर्सनल स्पेस के लिए खतरा बन सकते हैं, जहां कोई भी आपकी गतिविधि इस प्रकार मॉनिटर करे। कोरोना वायरस से जूझकर बाहर आना तय है, मगर जैसा इम्पैक्ट ये छोड़ने वाला है उसका महत्व शायद हमें कुछ समय बाद ही पता लगे। शिकागो के मेयर रैम इमैनुएल के शब्दों में, नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। ABP News, आपको रखे आगे।